सब इंतजाम हो गया ना? बिल्कुल, मदन ने जगह भी देख ली है। क्यों मदन, काम को अंजाम देने के लिए जगह ठीक है ना? जी हाँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इंसान का तो वहां नामो निशान भी नहीं है, और वो डाक बंगला बरसों से सुना पड़ा हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए थी। ये अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला है, वहां लोग आसपास भटकते तक नहीं हैं, और अफवाहें हैं कि वहां आत्माएं वास करती हैं। तो चलो, क्यों ना हम उन अफवाहों को सच साबित करते। वाह परोमिता वाह, सफेद ड्रेस और घुंघरू, तुमने तो आत्मा बनने का पूरा इंतजाम कर लिया। अच्छा मदन, तुम्हारे उस आदमी हरिया से बात हो गई है ना? हाँ भैया, मेरी सारी बातें हो गई है। वो उसी इलाके का है, मैंने उसे एडवांस भी दे दिया है। शाबाश मदन, अब सारा पाप करेंगे हम, और इल्जाम आएगा उस आत्मा पर जो कि है ही नहीं। अब जल्दी से सारा प्लान मुझे वापस बताओ। हमारी गाड़ी ठीक ठाक बंगला के सामने जाकर खराब हो जाएगी। कितनी जोर की बारिश हो रही है। अरे अरे आ? क्या क्या कर रहे हो मदन? ये क्या कर रहे हो मदन? क्या हुआ मदन? पता नहीं, देखता हूँ पुष्कर भैया। अरे क्या हो गया? एक मिनट भाभी, एक मिनट, मैं जरा देख। हम देख कर आए क्या? हमें देखना चाहिए। क्या हो मदन? लगता है भैया गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। ये अब इतनी सुनसान रोड पे इस वक्त मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ पे एक डाक बंगला है, अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं, कहीं रहने का व्यवस्था हो जाए। कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है? हेलो, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास कोई होटल भी नहीं रहने के लिए, क्या हम आज की रात इस डाक बंगले में काट सकते हैं? भैया इसे कुछ पैसे दो। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, पर क्या? आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सुरक्षा? क्या यहाँ आसपास कोई डाकू वाकू है? नहीं, ये डाक खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, और जो जगह काफी समय से बंद हो उस जगह पर अनजान शक्तियों का वास हो जाता है।
ठीक है भाई, बस आप हम लोगों को सर छुपाने की जगह दे दीजिए, अपनी सुरक्षा का बीड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे। ठीक है भाई साहब, वो कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम हो सकता है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, पर हाँ इस जंगल के पीछे एक बाजार है, आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं कुछ ना कुछ बाजार से लेकर आता हूँ। रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। अच्छा सुनो, कुछ पैसे तो लेते जाओ। एक मिनट भैया, मैं देता हूँ। अच्छा सुनो, और वो सामान भी लेके आओ। जी भैया। ओके चलो राघव, हम गाड़ी से सामान ले आते हैं। हाँ घुघरू की आवाज, ये घुघरू की आवाज इस जंगल में? नहीं नहीं घुघरू की आवाज तुम। कुर्सी ऐसे हिल क्यों रही है? हवा से हिल गया होगा प्रीति। नहीं पुष्कर, ये तो ऐसे हिल रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो। हाँ शायद इस पे कोई ऐसा आदमी बैठा है जो शायद हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज राघव, ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। एक तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है। भाई साहब ये लाइट्स कब तक आ जाएगी? यार ये बंगला कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ना? हालत देखकर तो ये लगता है।
यहाँ पर तो सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ ये कमरा बंद क्यों है? क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकी का सामान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा है क्या इस कमरे में? यह जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना। यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वाकई में ही मेरे कान बज रहे थे। लेकिन घुंघरू की आवाज तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। यहाँ पर कोई स्टोव भी नहीं है, वरना नाश्ता तो बना लेते। है ना, स्टोव है यहाँ। स्टोव है पर कहाँ? यहाँ नीचे एक तहखाना है। तहखाना? हाँ तहखाना। वैसे नीचे कोई पुरानी चीजें पड़ी है और वहाँ आपको स्टोव भी मिल जाएगी। अरे वाह, चलो चल के ले आते हैं। चलो इस मदन की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। उसकी वजह से हमारा पूरा प्लान डिले हो गया और तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना भी बेकार गया। मेरा घुंघरू पहनकर चलना? हाँ, कल रात को तुम्हारा वो घुंघरू पहनकर चलना सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। ऐसा लगा था कि सचमुच की आत्मा तो नहीं आ गई। राघव, कल रात मैंने कोई घुंघरू नहीं पहने थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? इनफैक्ट मैं इतनी थक गई थी, कल लेटते ही सो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ।
अगर तुम सो गए थे तो कल यहां घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा था? राघव, सच में यहां कोई आत्मा तो नहीं है ना? नहीं, मैं वो शायद मेरा वहम होगा। खैर, मैं एक काम करता हूं, मदन को ढूंढ के आता हूं, ठीक है? जल्दी आना। हाँ, ये मदन कहाँ रह गया? उसकी वजह से सारा प्लान। घुंघरू की आवाज, परोमिता यहां कैसे? मेरा वहम होगा। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कौन है? कौन है यहां पर? सुलोचना दीदी, सुलोचना दीदी, मैं यहां बंद हो गई हूं। ये तो वही घुंघरू की आवाजें हैं। कौन है? कोई है यहां पर? कौन है? क्या हुआ? वो स्टोव जल नहीं रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो हम कुछ और इंतजाम करते हैं। चलो,
मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मदन तो पहले से ही गायब था और अब ये राघव अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, शायद मैकेनिक की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। मैं उसे देख कर आता हूँ। पुष्कर, तुम मत जाओ। ये ठीक कह रही है। इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है। सुबह ढूंढ लेना। क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुकना पड़ेगा? नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं आसपास पता करके आता हूँ। पुष्कर, रहने दो ना। पुष्कर, बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह देख लेंगे। मुझे जाने दो प्रीति, वैसे भी चिंता में मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। पुष्कर प्लीज। मैं प्लीज थोड़ी देर में आता हूँ। प्लीज। मरेगा, ये भी मरेगा। सुनिए, कौन लड़की है? सुनिए। पुष्कर। अरुमिता, तुम? क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, वो मैंने अभी अभी किसी को यहां सफेद ड्रेस में देखा। तुमने किसी आत्मा को देखा? ये मजाक का वक्त नहीं है परोमिता, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अभी भी किसी को देखा यहां पे। अच्छा बाबा, सॉरी, अभी तो नहीं है ना, अभी सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों यहां है ना। आई लव यू परोमिता। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं परोमिता। लेकिन तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डाक बंगले से निकलते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं भी। परोमिता, कुछ ही दिनों की तो बात है, अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तुम जाओ, मैं हरिया से मिलकर आता हूं।